दिल्ली के पीतमपुरा में विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज सेंटर में एक छात्रा ने सातवीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। छात्रा का नाम वरीषा बताया जा रहा है। जब वहां मौजूद छात्रों ने वरीषा को जमीन पर पड़े देखा तो मामले की जानकारी संस्थान प्रबंधन को दी। इसके बाद तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी गई और उसे पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान वो सातवीं मंजिल की ओर जाती हुई सीसीटीवी में कैद भी हुई थी और बताया जा रहा है कि उस समय वो अकेली थी। मुझे ये लग रहा था कि कॉलेज वाले जो हैं पुलिस वालों को पूरा कोऑपरेट कर रहे थे, जिस तरह से वहाँ पर जो हालात थे कि भाई नई बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग के अंदर बच्ची जो है जहाँ तक तो उसको मतलब टच में है, पांचवी फ्लोर के ऊपर गई और जाने के बाद में वो वापिस वहाँ से लौट के आई और आने के बाद में उसका आठवीं फ्लोर के ऊपर टेरिस के ऊपर जाना। पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, ऐसे में फिलहाल खुदकुशी के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मृतक के परिजनों से पूछताछ कर रही है और पुलिस को मौके से एक छात्रा का बैग मिला है जिसमें दो मोबाइल फोन और कुछ कागजात मिले हैं। दोनों मोबाइल फोन लॉक थे। पुलिस मोबाइल फोन की सीडीआर खंगाल रही है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। और जब हम टेरिस के ऊपर हमने पुलिस ने हमें कोऑपरेट किया वहां पर ले जाने का और हम वहां पहुंचे टेरिस पे, तो जब हमने देखा तो हमको नहीं लगा कि ये पॉसिबल है हमारी लड़की के साथ में कि वो ऐसा मतलब वहां के ऊपर जा सकती है अकेली। उसको वहां ले जाया गया और ले जाने के बाद में उसके साथ में हादसा हुआ और इसके अंदर कॉलेज का जो फोर्थ क्लास स्टाफ है या कोई भी स्टाफ रहा होगा वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, इसकी पूरी निष्पक्ष जाँच कराई जाए। हम आपको बता दें कि वरीषा अपने परिवार के साथ सुल्तानपुरी में रहती थी और उसने दिल्ली विश्वविद्यालय से LLB की पढ़ाई की थी और कुछ दिन पहले ही LLM में दाखिले के लिए वो विप्स में आई थी। भतीजी है, शी वॉज वेरी बोल्ड और बहुत ही मतलब डिटरमाइंड और उसने जो अभी से पहले SDM के पेपर दिए थे और वो कुछ नंबर उसे रह गई थी और वो तैयारी कर रही थी LLM की और वो चाहती थी कुछ बनना लाइफ में और सुसाइड करना तो पॉसिबल ही नहीं है कि मतलब ऐसी बोल्ड लड़की मतलब सुसाइड कर सकती है। और पुलिस के मुताबिक बृहस्पतिवार की सुबह ही वो अपने दाखिले की स्थिति की जानकारी के लिए सेंटर पहुंची थी।